हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रचना रसोई रेसिपी में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं वेज मंचूरियन। तो होटल जैसा वेज मंचूरियन बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, आइए देख लेते हैं। आप वेज मंचूरियन को आसानी से घर पे बना सकते हैं। ये पत्ता गोभी है, पत्ता गोभी को हमने ग्रेट कर लिया है, गाजर हैं और शिमला मिर्च हैं और ये फूल गोभी है और ये स्क्वायर शेप में कटा हुआ प्याज है, शिमला मिर्च है, इसको हम ग्रेवी के लिए भी यूज करेंगे और ये बारीक कटी हुई लहसुन है और ये लंबी लंबी कटी हुई मिर्च है, हरा धनिया है और अदरक का टुकड़ा। और यहाँ पे हमने लिया है 2 से 3 टेबल स्पून तेल, नमक, ये कॉर्नफ्लोर पाउडर है 2 चम्मच और ये हमने 3 चम्मच मैदा और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर लिया है। यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर और ये हमने सॉस बना लिया है, 3 चम्मच टोमेटो केचप और 3 चम्मच डार्क सोया सॉस और 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस, इसको मिक्स कर लिया है ताकि आपका टाइम बचे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इन सब सब्जियों को हम एक बड़े बर्तन में डाल लेंगे। ये फूल गोभी, ये पत्ता गोभी और ये गाजर, शिमला मिर्च को हम अभी नहीं डालेंगे, वो बाद में डालेंगे। सारी सब्जियों को डाल लेना है और इसमें आधी छोटी चम्मच नमक डालना है हमें। मिला देना है। और हमको इसे 5 से 6 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है। नमक क्या करता है कि सब्जियों से मॉइस्चर रिलीज करता है। अब हम ये जो 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर लिए थे उसको इसमें पानी डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। सब्जियों को रखे 5 मिनट हो गया है, अब हम इसे पानी निचोड़ लेंगे, पानी को अलग कर लेंगे। इससे हमारे मंचूरियन बास अच्छे बनेंगे और तेल में खुलेंगे नहीं। चलिए पानी निचोड़ लेते हैं। ये हमने सब्जियों से पानी निचोड़ लिया है, अब हम इसमें ये कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे और ये 3 चम्मच मैदा और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर का पाउडर इसमें डालेंगे। थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा नमक, अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे कि इसमें पानी नहीं डालना है। यहाँ हमने मिक्स कर लिया है, अब इसके हम बॉल्स बनाएंगे। तो आप छोटे बड़े कैसे भी बॉल्स बना सकते हैं। ये देखिए बॉल्स बना लेंगे, सारे बॉल्स ऐसे ही बना लेंगे। ये हमने सारे बॉल्स बना लिए हैं, अब हम चलते हैं तलने के प्रोसेस में। इसको हम तल लेते हैं। ध्यान रहे कि इसको हाई फ्लेम पर तलना है, नहीं तो ऊपर की लेयर डार्क हो जाएगी और हमारे
कढ़ाई नीचे की पकेगी नहीं। मीडियम फ्लेम पे इसको तलना है। चलिए सारे बाल ऐसे ही तल के रेडी करते हैं। ये मंचूरियन बाल्स फ्राई हो चुकी हैं और इसको फ्राई करने में हमें 4 से 5 मिनट लगे हैं। चलिए इसको निकाल लेते हैं। उसी तरह इसको भी फ्राई करके निकालेंगे। मंचूरियन बाल्स हमारे तल के रेडी हैं, तो अब चलिए चलते हैं हम सॉस बनाने की प्रोसेस में। सॉस बनाने के लिए पहले 2 चम्मच तेल ऐड करेंगे। 2 चम्मच तेल डालेंगे। अब इसमें बारीक कटी हुई लहसुन डालेंगे। लहसुन इसमें थोड़ा ज्यादा जाता है। अदरक डालेंगे। अब स्क्वायर शेप में कटा हुआ शिमला मिर्च और प्याज डालेंगे। एक मिनट के लिए पका लेंगे इसको। ये हरी मिर्च भी डालेंगे। ये सॉस डालेंगे जो हमने मिक्स करके रखा था। एक चम्मच विनेगर डालेंगे। ये कानफूल पाउडर का घोल जो बना के रखा था वो डालेंगे। नमक डालेंगे। काली मिर्च डाल देंगे। मिक्स करेंगे। नमक और काली मिर्च डालने के बाद हमने पानी 1 कप डाल दिया। ध्यान रहे कि सॉस को हमें पकाना नहीं है। आपको अगर ग्रेवी वाला बनाना हो तो आप 1.5 कप पानी डालें, और ऐसे ही स्टार्टर के रूप में खाना हो तो 1 कप पानी डालें। जैसे ही 1 उबाल आए उसमें हम ये बॉल्स डाल देंगे। हमारी मंचूरियन बनकर रेडी हैं। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। अगर आपके पास स्प्रिंग ओनियन हो तो वो भी डाल देंगे। अब गैस के फ्लेम को बंद करेंगे और सर्व करेंगे। हमारी मंचूरियन बनकर रेडी हैं। आप इसे फ्राइड राइस या हक्का नूडल्स के साथ खा सकते हैं, और स्टार्टर के रूप में खाना हो तो इसमें थोड़ा पानी कम डालें, और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।